पहले जिले में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना पंचायत प्रतिनिधियों एवं जनपद के अधिकारियों के लिए कमाई का जरिया बनकर रह गई है। तो यही वजह है कि गांव-गांव में इस योजना के तमाम हितग्राहियों के द्वारा कलेक्टर से शिकायत करना आम बात हो गई है। ताजा मामला मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के चिनभोग पंचायत का बताया जाता है। मुंगेली जिले में आवास योजना का बुरा हाल है। शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका, इस योजना में जमकर धांधली किया जा रहा है। हम इस वक्त मुंगेली जिले के चिनभोग पंचायत में मौजूद है। यहाँ आवास योजना में जिस तरीके से गड़बड़ी की गई है उसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल यह आवास किसी और के नाम में स्वीकृत होता है और बन किसी और का जाता है, ये अपने आप में एक सवाल है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके की आखिर इस गड़बड़ी को अंजाम दिया गया है। बताएंगे क्या हो रहा है आखिर इस गांव में आवास योजना को लेकर। यहाँ आवास से लेकर शौचालय से लेकर पूरे तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, तमाम योजनाओं में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। 5 साल पूरा बीत गया और लगातार शिकायत ऊपर शिकायत हो रहा है। सरपंच द्वारा कोई काम नहीं कराया जा रहा है। सरपंच निनी भाई और उसके पुत्र राजकुमार द्वारा आवास के नाम से वसूली का एक धंधा बना लिया गया है। जो पैसा देता है उसके आवास को पास किया जाता है, जो पैसा नहीं देता उसके आवास को काट दिया जाता है। ग्रामीण लोग पूरा परेशान है। पूरे पंचायत के लोग कई बार कलेक्टर से लेकर जनपद सीओ तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। अगर कार्यवाही नहीं करेगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। सब गांव मिल के कुछ चक्का उक्का जाम करवो कहीं सोचे हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं शिकायत कर करके थक गए हैं और कार्रवाई नहीं होता देख अब ये लोग चक्का जाम करने के भी मूड बना चुके हैं, जिसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं जिला प्रशासन होगी। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली। चलिए बुलेटिन में इतना ही।